दृष्टि आईएएस के टुडे के प्रोग्राम में आपका स्वागत है सबसे पहले पिछले सेशन का रिकैप देखेंगे पहला प्रश्न है खबरों में रहा तियानवेन वन किस देश का मिशन है इसका सही जवाब है चीन अगला प्रश्न है एमसीए 21 वर्जन 3.0 किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया जाएगा इसका सही जवाब है कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय अगला प्रश्न है समग्र शिक्षा के तहत वित्त पोषित आवासीय विद्यालयों और छात्रावासों का नाम किन के नाम पर रखने का फैसला किया गया है इसका सही जवाब है नेताजी सुभाष चंद्र बोस अगला प्रश्न है देश की पहली चिकित्सा शिक्षा छात्र बीमा योजना किस राज्य में शुरू होगी इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश अगला प्रश्न है राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का आयोजन कहाँ होगा इसका सही जवाब है बेंगलुरु अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय उद्योगों की जरूरत के लिहाज से युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए उत्तर प्रदेश ने निम्नलिखित में से किसके साथ मिलकर निशुल्क ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है इसका सही जवाब है कोरसरा अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की कैबिनेट ने मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा छात्रवृत्ति योजना को मंजूरी दी इसका सही जवाब है दिल्ली अगला प्रश्न है राष्ट्रीय संरक्षा परिषद यानी नेशनल सेफ्टी काउंसिल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है इसका सही जवाब है एस एन सुब्रमण्यन अगला प्रश्न है हाल ही में किस देश ने आर्टिफिशियल एनर्जी आइलैंड प्रोजेक्ट को मंजूरी दी इसका सही जवाब है डेनमार्क अंतिम प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र ने अपना जलवायु दूत किसे नियुक्त किया है इसका सही जवाब है माइकल ब्लूमबर्ग शुरुआत करते हैं आज के सेशन की सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न अपने 100वें टेस्ट मैच में दोहरा शतक लगाने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं इंजमाम उल हक जो रूट विराट कोहली या फिर माइक गेटिंग इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जो रूट इंग्लैंड टेस्ट क्रिकेट टीम के कैप्टन जो रूट अपने सौवे टेस्ट मैच में दोहरा शतक लगाने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज बन गए हैं भारत के खिलाफ खेलते हुए जो रूट ने यह उपलब्धि हासिल की जो रूट ने सौवे टेस्ट में सबसे ज्यादा स्कोर 2018 करने का खिताब भी अपने नाम कर लिया है जो रूट ने इंजमाम उल हक का रिकॉर्ड तोड़कर यह उपलब्धि हासिल की हक ने अपने टेस्ट में एक चौरासी रन बनाए थे तो इस तरह प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी आज के सेशन का पहला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना की शुरुआत की गई उत्तर प्रदेश बिहार मध्य प्रदेश या फिर गुजरात इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना का शुभारंभ किया दरअसल यह पहल ग्वालियर जिले की है जो बतौर मॉडल अब पूरे राज्य में लागू की जाएगी इसका मकसद असहाय बुजुर्गों एवं दिव्यांगों को घर घर राशन पहुंचाना है पैंसठ वर्ष से अधिक उम्र के असहाय बुजुर्ग इस योजना के लाभार्थी होंगे तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य ने भूमि धारण यानी लैंड होल्डिंग की पहचान करने के लिए सोलह अंकों का यूनिकोड जारी करने की घोषणा की उत्तर प्रदेश झारखंड, बिहार या फिर मध्य प्रदेश इसका सही जवाब है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश बीते दिनों उत्तर प्रदेश सरकार ने भूमि धारण की पहचान करने के लिए सोलह अंकों का यूनिकोड जारी करने की घोषणा की है इससे भूमि विवाद के मामले में कमी आएगी एवं लोगों को धोखाधड़ी करने वालों से बचाया जा सकेगा राजस्व विभाग सभी प्रकार की कृषि आवासीय और वाणिज्यिक भूमि को चिन्हित करने के लिए यूनिकोड जारी करेगा यूनिकोड का पहला छह अंक भूमि पर आबादी के आधार पर होगा अगले चार अंक भूमि की विशिष्ट पहचान बताएंगे ग्यारह से चौदह तक के अंक भूमि के विभाजन की संख्या होगी अंतिम दो अंकों में श्रेणी का विवरण होगा जिसके माध्यम से कृषि आवासीय और वाणिज्यिक भूमि की पहचान की जाएगी तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए अगला प्रश्न है 2021 के लिए पद्मश्री के लिए चयनित बिहार की दुलारी देवी का संबंध निम्नलिखित में से किस कला से है मिथिला पेंटिंग मंजूषा कला पटना कलम या फिर टिकुली कला इसका सही जवाब ऑप्शन ए मिथिला पेंटिंग हाल ही में उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान की ओर से बिहार म्यूजियम सभागार में दुलारी देवी को सम्मानित किया गया दुलारी देवी को 2021 के लिए पद्मश्री के लिए चयनित किया गया है मधुबनी की रहने वाली दुलारी देवी मिथिला पेंटिंग की कलाकार है मिथिला पेंटिंग को मधुबनी पेंटिंग भी कहा जाता है पूरे भारत में मिथिला पेंटिंग कला की एकमात्र ऐसी विधा है जिसमें अब तक सात कलाकारों को पद्मश्री सम्मान मिल चुका है तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए अगला प्रश्न है हाल ही में असम में असोम माला प्रोग्राम का शुभारंभ किया गया इसका मकसद क्या है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना सड़क अवसंरचना को मजबूत करना बागवानी कृषि को बढ़ावा देना या फिर चाय की खेती को बढ़ावा देना इसका सही जवाब ऑप्शन बी सड़क अवसंरचना को मजबूत करना बीते दिनों प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने असम के शोनीतपुर में असोम माला प्रोग्राम का शुभारंभ किया इस प्रोग्राम का मकसद सड़क अवसंरचना को मजबूत करना राज्य के आर्थिक प्रगति में योगदान देना एवं कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है प्रधानमंत्री महोदय ने असम में स्वास्थ्य अवसंरचना को मजबूत बनाने के लिए मेडिकल कॉलेजों एवं अस्पतालों का भी शिलान्यास किया तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी अगला प्रश्न है हाल ही में कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए सुपर कार रैली का आयोजन कहा किया गया हैदराबाद पटना चेन्नई या फिर मुंबई इसका सही जवाब ऑप्शन ए हैदराबाद कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए हैदराबाद में सुपर कार रैली का आयोजन किया गया इसका आयोजन अपोलो हॉस्पिटल द्वारा किया गया आपको बता दें कि विशेषज्ञों के मुताबिक केवल निवारक उपायों यानी प्रिवेंटिव मेजर्स एवं अपने लाइफ में बदलाव लाने की वजह से कैंसर होने के पिछहत्तर फीसद रिस्क को टाला जा सकता है तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए अगला प्रश्न है खबरों में रहा पेसीफ्लोरा शर्वाइनिस क्या है विषाणु पौधा जल प्रपात या फिर जीवाणु इसका सही जवाब ऑप्शन बी पौधा चेन्नई के वैज्ञानिकों ने पैसी फ्लोरा से फैमिली का नया देशी पौधा पाया है वैज्ञानिकों ने इसका नाम पैसी फ्लोरा शेरवा रखा है तमिलनाडु के शेरवाय हिल्स पर पाए जाने के कारण इसका नाम पैसी शेरवा रिसिस रखा गया है तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी अगला प्रश्न है हाल ही में प्रतिष्ठित आकाशवाणी संगीत सम्मेलन का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है बिस्मिल्ला खान पंडित भीमसेन जोशी लता मंगेशकर या फिर ए आर रहमान इसका सही जवाब ऑप्शन भी पंडित भीमसेन जोशी आकाशवाणी संगीत सम्मेलन का नाम बदलकर पंडित भीमसेन जोशी के नाम पर रखा गया है इसको अब भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी आकाशवाणी संगीत सम्मेलन कहा जाएगा केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने पुणे में आयोजित पंडित भीमसेन जोशी शताब्दी स्मरणीय समारोह में इसकी घोषणा की कर्नाटक के प्रसिद्ध गायक पंडित भीमसेन जोशी को साल 2009 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी अगला प्रश्न है खबरों में रहा डोजी कॉइन क्या है क्रिप्टो करेंसी दवा विषाणु या फिर खेल इसका सही जवाब है ऑप्शन ए क्रिप्टोकरेंसी बीते दिनों दुनिया के सबसे धनी इंसान एलन मस्क द्वारा डोजे कॉइन के बारे में एक ट्वीट करने से इसके वैल्यू में काफी बढ़ोतरी देखने को मिली डोजे कॉइन एक क्रिप्टोकरेंसी है डोजे कॉइन की स्थापना 2013 में हुई थी तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस फिल्म ने रोटाडम फिल्म फेस्टिवल 2021 में प्रतिष्ठित टाइगर अवार्ड जीता लैंडस्केप्स ऑफ रेजिस्टेंस लुकिंग फॉर वेरेना कुजांगल अका पेबल्स या फिर ब्लैक मेड्यूसा इसका सही जवाब ऑप्शन सी कुज़ांगल अका पेबल्स हाल ही में सम्पन्न हुए रोटरडम फिल्म फेस्टिवल 2021 प्रतिष्ठित टाइगर अवार्ड कोजांगल आका पेबल्स फिल्म ने जीता इस फिल्म के निर्देशक पी एस विनोद राज हैं टाइगर अवार्ड जीतने वाली यह पहली तमिल फिल्म एवं दूसरी भारतीय फिल्म बन गई है इस पुरस्कार से सम्मानित पहली भारतीय फिल्म एस दुर्गा थी तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी अंतिम प्रश्न है अमेरिका ने चीन को काउंटर करने के लिए किन देशों के साथ मिलकर गुआम द्वीप में संयुक्त अभ्यास का संचालन कर रहा है भारत एवं ऑस्ट्रेलिया जापान एवं ऑस्ट्रेलिया भारत एवं जापान या फिर जापान एवं पाकिस्तान इसका सही जवाब ऑप्शन बी जापान एवं ऑस्ट्रेलिया अमेरिका चीन को काउंटर करने के लिए जापान एवं ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर गुआम द्वीप में संयुक्त अभ्यास का संचालन कर रहा है इसमें अमेरिका ऑस्ट्रेलिया एवं जापान की वायु सेनाएं भाग लेंगी यह अभ्यास 19 फरवरी तक चलेगा गुआम द्वीप के एंडरसन एयरफोर्स बेस में इस अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है गुआम द्वीप माइक्रोनेशिया में स्थित है तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की भारतीय थल सेना में कितनी प्रतिशत महिला कार्यरत हैं? शून्य दशमलव पाँच छह प्रतिशत एक दशमलव शून्य छह प्रतिशत दो प्रतिशत या फिर तीन प्रतिशत इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे तब तक के लिए धन्यवाद